योगी सरकार बनते ही योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए तरह तरह के वादे किए थे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता दिखाई दे रहा है। ताजा मामला सीतापुर के थाना पिसवा क्षेत्र के ग्राम निरहान का है, जहां नाबालिग लड़की को पड़ोस के ही रहने वाली एक महिला घर से बुला कर ले गई। जब घर लड़की वापस नहीं आई तो महिला से पूछा, महिला ने कुछ नहीं बताया और लड़की की माँ से कहा, लड़की का आधार कार्ड दे दो। तब घर वालों को शक हुआ, उन्होंने थाने जाकर मुकदमा पंजीकृत कराया। मुकदमा तो पंजीकृत हो गया, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। तो शाम के टाइम टट्टी गई रहे साथ में यहाँ, तो वहाँ पर जाए जब चली गई, जब वहाँ से देर हुई तो आई नहीं, तो हम दोनों जगह घूम के आई गई और लड़की ना आई, तो हम कहाँ चली गई। तब कहीं हम तो जब आई हम बुझन तब तो लड़ाई लगी, तब उल्टा से गाली दी, गई देखे मारे तौर पर सब लोग तैयार हुए, जब मोहल्ला ले रहे उनके खानदान इतने सब रहे, और बाद में यहाँ फिर गई चली गई, बैकिंग हुई है कहूँ यहाँ। अब जब हम जब पता लगा लगे तब लड़की आई नहीं, हम फिर मंत्र आए शाम को, जब देर हो गई तब हम फिर चौकी पर गए, हुआ पर गए, हुआ पर ना कोई सुनी गई, और फिर बाद हुआ जब ना सुनी गई सुबह फिर गए हम गए सीतापुर का, तो हुआ गए कप्तान को, हूँ उनको ना सुनी गई। कौन कौन लोग आपकी बिटिया को ले गए हैं, किसके किसके नाम एप्लीकेशन दिए हैं आप लोग? हमने हरे राम ले गए हैं, अब साथ में जम्मू ग्रहण संघ पठाई गई हैं। अच्छा, हरे राम और भी कोई है? और मैं साथ में जमुना थे और पीछे से कमलेश भी गए थे। कमलेश ट्वेंटी फोर आवर्स टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।